नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में दूसरा कोविड टीकाकरण ड्राई रन आयोजित। 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 736 जिलों में बड़े पैमाने पर चलाया गया यह अभियान। टीकाकरण स्थलों पर लगभग 1,70,000 टीकाकर्मियों और टीकाकरण दल के 3,00,000 सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाब नालो ने राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से मुलाकात कर प्रमुख धार्मिक स्थल परशुराम कुंड के विकास परियोजना पर की चर्चा। राज्यपाल ने कहा परशुराम कुंड के विकास से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट द्वारा ईस्ट सियांग के रायांग में कार्यशाला का आयोजन। महिला किसानों को आय बढ़ाने के लिए मशरूम के साथ साथ मछली और मधुमक्खी पालन की भी दी गई सलाह। दूसरा कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास आज देश भर में आयोजित हुआ। 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 736 जिलों में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया। प्रस्तावित टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिला कलेक्टर या जिला मैजिस्ट्रेट की निगरानी में किया गया। इस दौरान राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पतालों के स्तर पर सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई। टीकाकरण स्थलों पर लगभग 1,70,000 टीकाकर्मियों और टीकाकरण दल के 3,00,000 सदस्यों को इस प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकों के उचित भंडारण और लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को आश्वासित किया है कि कोविड टीकों का वितरण करने के लिए कोल्ड चेन को पर्याप्त रूप से उन्नत किया गया है और इसके लिए सीरिंज और अन्य रसद की पर्याप्त आपूर्ति भी की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे टीके की सुरक्षा और प्रभाव संबंधी अफवाहों के बारे में सतर्कता बरते। In the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation and all those frontline workers who helped us in containment zones and other places. And then of course, in the next stage, we'll be taking up the people above 50 years of age. देश भर में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.39% हो गई है। कल 20,000 से ज्यादा कोविड रोगी संक्रमण से ठीक हुए। देश में कोविड के सक्रिय मामले इस समय करीब 2,25,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल कोविड के 18,139 नए मामले सामने आए और 234 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 4 नए मामले दर्ज किए गए और 13 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 79 रह गई है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.19% हो गई है। गुरुवार को दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईस्ट सियांग जिले से 2, वेस्ट कामेंग और तिराप जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाब नालो ने राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से आज राजभवन में मुलाकात कर प्रमुख धार्मिक स्थल परशुराम कुंड के विकास पर चर्चा की। राज्यपाल ने परशुराम कुंड
कुंड के धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस पवित्र स्थान पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंड के दर्शन और पर्यटक इस मनोरम स्थान को देखने के लिए आते हैं। वहीं मकर संक्रांति के दौरान बड़ी संख्या में लोग कुंड के किनारे लोहित नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। राज्यपाल ने इस स्थान को श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखते हुए विकास कार्यों को संचालित किया जाए। राज्यपाल ने कुंड के विकास के लिए प्रस्तावित राज्य सरकार की परियोजना को समय से पूरा किए जाने पर बल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए लगभग 37,87,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थल स्थानीय लोगों की आजीविका में मददगार होने के साथ साथ यहां के स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। राज्यपाल ने चर्चा के दौरान कहा कि इस परियोजना की मदद से पर्यटक विशेषकर वरिष्ठ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। राज्यपाल ने परियोजना के लिए जारी धनराशि का योजना के अनुरूप उपयोग पर जोर देते हुए पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को परियोजना के क्रियान्वयन में जरूरी सहायता उपलब्ध कराने को कहा। पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन की वे स्वयं देखरेख करेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ऑफ महाराष्ट्र APSUM ने राज्य सरकार से मुंबई से में स्थित अरुणाचल भवन के विकास को लेकर आज ईटानगर में धरना प्रदर्शन किया। संघ ने राज्य सरकार से अरुणाचल भवन में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने का आग्रह किया है। APSUM के अध्यक्ष तापो रियांग ने कहा कि कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले राज्य के लोगों को अरुणाचल भवन के कार्यरत न होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने पढ़ाई और इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने वाले प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार से उनकी मांगों पर त्वरित गति से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। जो लीज में था, सिंपल एज दैट, उसको भी वापस ले लीजिए ना। जो मतलब आपका हक में है उसको भी कोई छीन रहा है, तो ये तो बहुत बेइज्जती वाला बात है। जी के फायदा नहीं आता, घर घुस के कोई आपका घर का रूम को लेके जा रहा है। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। वी आवर डिमांड इज सिंपल, और DRC अपॉइंट कीजिए, डिप्टी रेजिडेंशियल कमिश्नर ARC डाल दीजिए विद सपोर्टिंग स्टाफ। अरे आदमी तकलीफ होता है, आप लोग नहीं जाता है तो इट डजंट मीन ना कि अरुणाचली नहीं जाता है। मेरा पास सेंसेस भी है उसका, अरुणाचली लोग का, तो अरुणाचली जाता है। तो आई थिंक अरुणाचल गवर्नमेंट हो या फिर ऑफिसर हो, इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, और उसको उस हित में ही काम करना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कल दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के परिसर में 162 बिस्तरों वाले वातानुकूलित हॉस्टल का उद्घाटन किया। खेल मंत्रालय के अनुसार इस हॉस्टल के निर्माण में 12 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके लिए खेलों से संबंधित सभी सुविधाओं वाला यह हॉस्टल समय की मांग है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय निशानेबाज की क्षमता में सुधार लाने के लिए कई जरूरी कदम उठा रहा है। एनी स्पोर्ट्स एकेडमी, यू मस्ट हैव द फैसिलिटी फॉर एकोमोडेशन फॉर हॉस्टल। विदाउट दैट एनी स्पोर्ट्स एकेडमी इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज सम ऑफ द प्लेयर्स, सम ऑफ द सेलेक्टेड प्लेयर्स फॉर द नेशनल कैंप, दे हैव टू स्टे इन हॉस्टल। इफ ए प्लेयर कम्यूट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, it has a bearing on the performance. So by fulfilling the construction of the boys and girls hostel, I think we have added a new dimension to this Karni Singh sports shooting range, and this will really benefit our shooters. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2021 की तिथि और पात्रता मानदंड की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 3 जुलाई को ऑनलाइन होगी। इस वर्ष IIT में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंक पाने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। इस वर्ष यह परीक्षा IIT खड़गपुर आयोजित करेगा। परीक्षाओं में शीर्ष प्रमुख परीक्षाओं में जब आप सम्मिलित हो रहे हैं
तो स्वाभाविक है आपके मन में आएगा कि ये कब होनी है। तो ये 3 जुलाई 2021 को इसकी तिथि भी सुनिश्चित की गई है। आपके पास पूरा वक्त है, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और इस समय ये परीक्षा जो IIT खड़गपुर है वो आयोजित करेगा। मेरी शुभकामनाएं कि 3 जुलाई तक के लिए आप बहुत अच्छा, ये मौका है, अवसर है, आपको मौका मिलेगा और आप निश्चित सफल हों, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी दिलीप सैकिया ने कहा है कि पार्टी सभी राज्यों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के याजली और कई अन्य इलाकों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान श्री सैकिया ने कहा कि हाल ही में स्थानीय निकायों के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए जन जागरूकता अभियान और ग्रास रूट लेवल पर प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की। जो अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ के 6 JDU MLA BJP में ज्वाइन किया है और कुल मिलाकर के अभी हमारा स्ट्रेंथ असेंबली में 48 हो गया है BJP का स्ट्रेंथ। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है BJP के लिए, इस प्रदेश के लिए। तो 48 MLAs एक साथ मिल करके टीम अरुणाचल बन करके सब लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार है। और बॉर्डर एरियाज में भी जो पहले दिक्कतें आती थी रोड कम्युनिकेशन से लेकर के कनेक्टिविटी को लेकर के जितना भी समस्या आती थी वो समस्या भी धीरे धीरे अभी खत्म होने जा रहा है। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा काम यहाँ पर चल रहा है, रोड कनेक्टिविटी से लेकर के एयर कनेक्टिविटी तक, IT कनेक्टिविटी तक बहुत बड़ा एक काम इस प्रदेश में हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से। और अच्छा कुछ हमें योजना के साथ हम स्कीम्स के साथ हम आएंगे। मशरूम में कई तरह के प्रोटीन होते हैं और इसकी खेती कर कोई भी व्यक्ति अच्छी आय कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में मशरूम का उत्पादन 30 टन से बढ़कर 60 टन हो चुका है। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आज ईस्ट सियांग जिले के रायांग में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें रुक्सीन रायांग देवी निगलोक सहित जिले के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ टी रीबा, SM हुसैन और डॉक्टर रमेश शाक्यवार ने महिला किसानों को आय बढ़ाने के लिए मशरूम के साथ साथ मछली और मधुमक्खी पालन करने की सलाह दी। कि मछली, मशरूम और मधु या हनी मशरूम और फिश, तो इनको भी गवर्नमेंट ने ना अभी मिड डे मील में शामिल किया है, जिसमें आपका मशरूम और ये मधु हनी दोनों को इनकॉर्पोरेट किया। वो भी क्यों, जो बच्चों में भी एनेमिक है या माल न्यूट्रिशन की शिकार है, कभी कभी होता क्या है ना कि हम अगर बच्चा छोटा ही है उस समय से ही उसका केयर कर लेंगे तो वो रिकवर कर लेता है बड़े तक। तो वो चीज़ों को भी गवर्नमेंट ने मेंटेन करने के लिए वो इसको प्लान में डाला है। मशरूम को आप सुखा भी सकते हैं, ड्राई मशरूम ना, मशरूम प्रोडक्ट, मशरूम का आपका आज का सूप बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत कुछ है। ये मशरूम में बहुत चीज़ है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकता है, प्रोटीन अच्छा है, ठीक है। कभी कभी बहुत दुख की बात होता है जो गरीब किसान है या जो लोग है पहचान नहीं पा के ऐसा मशरूम खा लेते हैं जिससे कि अगले दिन उनका मौत भी हो जाता है ना, लेकिन मशरूम खाने के लिए मन। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर काडर का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश काडर में विलय कर दिया है। इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब देश के अन्य राज्यों में नियुक्त इन सेवाओं के अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा सकेंगे और जम्मू कश्मीर में नियुक्त ऐसे अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब अधिक संख्या में अधिकारियों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 से 19 जनवरी तक चलेगा। तमिलनाडु में कोविड
टीकाकरण के पूर्व अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीकाकरण की तैयारियों को देखने के लिए आज चेन्नई और कांचीपुरम के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने चेन्नई में सरकारी औषध भंडारण केंद्र का जायजा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।